जो भी लड़का मुझसे शादी करना चाहता है प्लीज अपना नाम मेंशन कर दे, पर्सनली मैं उसे कॉन्टेक्ट करूंगी। सर फ्लैट चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, बस मेरे साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर अब ओनली फैंस के जमाने में भी फेसबुक चलाते हो ना, तो शाम को डिनर करने के बाद ये वीडियोस तुम्हारे सामने जरूर आई होंगी। और इन वीडियोस में हमें कोई स्क्रिप्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैंने पहली बार इनकी शुरू की 10 सेकंड देखी ना, मुझे समझ आ गया कि इन पे बैठ के अगर मैं रिएक्शन दे दूंगा ना, ये उतने में ही रोस्ट हो जाएंगे। अब फेसबुक हमेशा से यूट्यूब बनना चाहता था, पर फेसबुक को ये नहीं पता था कि फेसबुक के लिए कोई नए क्रिएटर नहीं आएंगे। जो प्रैंकस्टर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके थे, अब वो फेसबुक पे आ गए थे अपनी नई स्क्रिप्ट्स के साथ, और उन्हीं में से कुछ स्क्रिप्ट आज तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। 2 लाख रुपए दूंगी, हाँ जी, एक बुलेट दूंगी, हाँ जी, और उसको एक साल में उसको सारी वो अयासी कराऊंगी जो उसके चाहिए, एक लड़का को जो इच्छा हो, बस मेरे साथ रहे। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो अयासी तो कुछ होने नहीं वाली, मतलब अयासी नाम की चीज तो उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। पर खैर, 2 लाख रुपए और बुलेट के लिए तो मैं कर सकता हूँ शादी। यहाँ तक वो क्लब बोलेगा, क्लब भी जाएंगे हम साथ में जाएंगे, हर 6 महीने बोले 1 महीने बोले उसको मैं घुमाऊंगी, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। क्लब की बात कर रही है, क्लब के आसपास से भी इसके जैसी लड़कियां निकल जाती है ना, तो क्लब वाले क्लोजिंग टाइम डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं उसको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में 5 रेस्टोरेंट, ठीक है भाई, पेप्सोडेंट और रेस्टोरेंट में कंफ्यूज हो गई, अच्छे रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल खाना भी खिलाऊंगी, ले जाऊंगी और अच्छे से रखूंगी, और अपनी बुलेट भी दूंगी, चलाएगा, मेरे पास कार है। देख लो भाई, किसी को रिश्ता करना हो मुझे डीएम कर देना, करवा दूंगा इसका कॉन्टेक्ट में। फिर उसके साथ घरेलू हिंसा होगी भाई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो दोस्तों देख लो आप, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो घर है ये आंटी का बना, आंटी पे एक गाड़ी नहीं है, देखो द्वारका में भी आंटी के 2-3 फ्लैट। हाँ, तो आंटी के पीछे जो दीवार दिख रही है ना मुझे घर की, बिना चिनाई वाली, मुझे पता चल रहा है आंटी सच में द्वारका में ही खड़ी है। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी आगे पीछे की कहानी बता देता हूँ कि आजकल फेसबुक पे ऐसी वीडियोस बहुत वायरल हो रही है जहाँ पे एक बुड्ढा अपनी बेटी के साथ, कोई जवान आदमी अपनी बेटी के साथ, कोई औरत अपनी बेटी के साथ, और कहीं पे अकेली बेटी खड़े रहते हैं, और एक कैमरा वाले बहुत दरिया दिल इंसान उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं, और वो बोलते रहते हैं कि मैं डाइवोर्सी हूँ, या मुझे छोड़ा हुआ है मेरे पति ने, या मैं कुंवारी हूँ, या मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, और जो मेरे से शादी करेगा उसको हम ये गाड़ी घर ये वो अलाना फलाना, वो सब चीजें जो दहेज में मिलने वाली है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम के सारे बंदे सिंगल हैं, तो हम अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं यहीं पे। जो इन मैडम से शादी करना चाहते तो ये इनकी मम्मी जी हैं। ये क्लियर कर रहा है, कभी कोई आंटी से ही शादी करने का प्रपोजल ना दे दे। हाँ भाई, वो आंटी की उम्र पता नहीं चल रही ना हमें। को गाड़ी एक देंगी, और देखो ये जो प्लाट है इन्हीं के नाम से बन रहा है, तो ये प्लाट भी आपको मिलेगा। कीमत लग रही है मुझे करोड़ों में। आप देख सकते हो ये प्लाट अभी इतना बन चुका है, मान लो कम से कम भी 6 महीने में प्रॉपर बन जाएगा। आंटी आप ही बुलाया था क्या आपने? आप ही का नाम रोहिणी? हाँ, मैंने फोन किया था आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ आंटी, आप बता रहे थे कि आप शादी वादी के लिए, आप बता रहे थे ना? हाँ बेटे, ये मेरी लड़की है। कौन सी? ये मेरी एक ही लड़की खड़ी है भाई वहाँ। कहानी इतने अच्छे से इतने सीरियस मोड पे चलती है, मतलब ये लोग ना एक दूसरे को क्लियर करते रहते हैं, मतलब इनकी बुद्धि इतनी चलती है कि कहीं ये पकड़े ना जाएं। पहले मैंने इसकी करी थी बेटे शादी। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ इनकी ना मिली भी नहीं। अच्छा, लड़का जो है ना गलत नहीं कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो इनका मैंने डाइवोर्स करवा दिया। उन्होंने खुद नहीं करा, आंटी ने करवा दिया। 3-4 महीने तो बहुत अच्छी बनी दोनों बच्चों। अच्छा, में अच्छा, अच्छा। प्यार करते रहे, एक दूसरे को अच्छा हंसते खेलते रहे, घूमते रहे। जब काम करने का टाइम आया तो डाइवोर्स करवा दिया। खेलने कूदने हंसने खेलने वाले महीनों में कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे वो लड़का चेंज होता गया, इसको पता चला, इसने उसका फोन चेक करा, गलत उसमें वीडियो किसी लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था। तो आप बता रहे थे कि लड़का आपको रिक्वायरमेंट है, तो एक बार बता दो आपको लड़का कैसा चलेगा इसमें। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये फेसबुक पे क्रिएटर्स नहीं है ना, प्रैंकस्टर मत बोलना, ये shaadi.com के ऑफ है। अनुपम मित्तल, आपकी कंपनी खतरे में है। देखो कैसा भी हो, मुझे अच्छा। कोई डिमांड नहीं है कि अच्छा। बहुत स्मार्ट होना चाहिए आप। दीदी स्मार्ट आपको मिलेगा भी नहीं, जिससे मतलब है कि मुझे समझे, मारना पीटना और हाथ ना उठाए। जो हरकतें तुम मम्मी के साथ कर रही हो ना फेसबुक पे आ गए, तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। मेरे पास इतना पैसा है बेटा, पैसे जो वो मांगेगा ना मैं उसको दूंगी। ये देख, एक ये गाड़ी खड़ी है, एक वो गाड़ी खड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मकान बन रहा है देख बेटा। अच्छा, ये आपके मकान बन रहा है। वैसे मुझे तो ऐसा ही परिवार चाहिए था, कोई अमीर माँ बाप की बेटी, जिसके अमीर माँ बाप अपनी कंडीशन से थोड़े परेशान हो और अपना सारा पैसा अपने जमाई को देना चाहते हो, घर जमाई बनाना चाहते हो। लगता है मेरे को मेरा रिश्ता मिल गया है। तो ये जो गाड़ी है ये भी दोगे आप उसको? हाँ बेटा, ये भी दूंगी। इसके अलावा जिस गाड़ी पे हाथ रखेगा मैं वो भी दूंगी। रेंज रोवर दिलवा रही है आंटी। और अगर उस लड़के की फैमिली जो है ना वो भी मेरे यहाँ रहना चाहती है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें पैसे से मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा, ये फैमिली बैकग्राउंड से मतलब नहीं। जैसे ब्लोंड हेयर इसने रख रखे है ना, ऐसे को तो रिश्ते ही होने बंद हो गए, 2022 में दूर भग जाते हैं। मुझे पता है अगर हुआ होगा ऐसा कुछ तो उस लड़के की तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। वैसे अब तक इसकी शादी हो ही नहीं होगी, लेकिन जहाँ होगी वहाँ भी नहीं टिकेगी। और ये फेसबुक वीडियो जब से वायरल हुई है तो इसकी
शादी वैसे भी नहीं होने वाली, तो छह महीने में प्लाट अंटी का बन जाएगा। तो आपको अगर किसी को शादी करनी हो तो दोस्तों कमेंट में अपना नंबर लिखें। जैसे हम अगर किसी को बोलते हैं अपने थ्रू किसी शादी करवाते हो, हम ना ज्यादा से ज्यादा उससे परखेंगे, पहले उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके चार महीने वो सर्विंग पीरियड में रहेगा, तो ये उसे देख के बताएंगे। पहले ना ये ट्रायल शादी करवाते हैं उसकी, देखते हैं कितना अच्छा, मतलब लड़का बेड पे कितना अच्छा है, लड़का प्यार करने में कितना अच्छा, लड़का नौकरी करने में, घर घर वाली को पालने में कितना अच्छा। तो छह महीने अगर वो ट्रेनिंग पीरियड में अच्छा निकल जाता है तभी अपनी क्लाइंट की शादी करवाते हैं। और कपड़े के व्यापारी हैं काफी बड़े, नजर आ रहा है वही वाले हैं, भाभी जी देखो ये कलर एकदम जच रहा है, एकदम जाएगा आपके आपके कलर के साथ जाएगा साड़ी का कलर। गुड लक, कॉल करो, मैं करना चाहता हूँ, कॉल करें, बात करें। ये पहली बार हो गया होगा इसने वहीं पे फोटो खिंचवा रखे, वो भी बिना बेडशीट के। ब्यूटीफुल, लव यू, मैं प्यार करेगा दिल से, रियली लव यू। इसने तो वहाँ टिकट बुकिंग वाले वे नहीं होती शॉप, वहाँ खिंचवा रखी फोटो भाई। DRX राजू कुमार मिल गया भाई, घर जमाई मिल गया। आंटी को तो कई सारे मिल गए, मतलब ट्रायल मारती रहेंगी आंटी, जो भी बढ़िया घर जमाई निकलेगा छह छह महीने के ट्रायल पीरियड पे लाती रहेंगी, उसे ही सब्सक्रिप्शन उसे ही दे देंगे आंटी अपनी लड़की का ना। लड़का पैसा देख के इसको पागल बना रहा था, अच्छा। मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो इसे छोड़ छाड़ के भाग। पैसे वाली लड़की कैसे बनाए, इसी वीडियो में वन पीस पहना दो उसे, सर्दियों में भी आईफोन उसके हाथ में दे दो, एक पर्स दे दो उसके हाथ में, पैसे वाली लड़की हो जाएगी। और ये माँ बेटी कहाँ से है, इनका कोई नैन नक्श कुछ नहीं मिला, ना पिछले वालियों का मिल रहा था ना इनका मिल रहा, लग रहा है ये सारी लड़कियां अपने बाप पे गई है। शादी में मिलेगी जैगुआर कार, ये आपकी गाड़ी का, ये जैगुआर भी आपकी है, नहीं है तो भाई ऐसा लगा चाहिए तो ना जो जैगुआर चला ले। पूरी वीडियो में जैगुआर का नंबर नहीं दिखाया क्योंकि ये मिलेगी किसी सतीश पाल जी के नाम। आंटी अपना फेंकम फेंकी में पूरी पार्किंग में खड़ी गाड़ी अपनी बता रही है, बहुत बढ़िया आंटी। पार्किंग में पर्ची काटने की अगर नौकरी मिल जाए उससे पार्किंग अपनी नहीं हो जाती, कोई कहाँ जाते कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ उसी का है। हाँ। बस ये कि अभी इसकी उम्र हो रही है, पहले गलती कर चुकी है, सारा दिन उदास रहती है, मेरे से देखा नहीं जाता। देखो ये ना कि पैसा देखिए गाड़ियाँ देखिए और आ जाए, मैं शरीफ से लड़का चाहिए, गाड़ी देख के ना आ जाए और दिखा गाड़ी रही है रिश्ते में। रिश्ते में दूसरी चीज तो आंटी आपने बताई नहीं कि लड़की क्वालिफिकेशन क्या है, लड़की की रिक्वायरमेंट क्या है, लड़की जॉब करना चाहती है नहीं करना चाहती, बता रही जैगुआर वाला जमाई चाहिए, शादी में लेके जैगुआर कार, और कह रही है गाड़ी वाला ना आ जाए। बहुत बढ़िया भाई, चीज मांगेगा ना, मैं उसको सब कुछ देने को तैयार। भाई ये वही आंटी नहीं है वो जो अभी आई थी, ये आंटी की सारी लड़कियां छूट गई है शादी के बाद। अच्छा, जितना पैसा देगा जितना गोल्ड देगा मैं उसको सारा कुछ दे दूंगी। भाई मैं कंफ्यूज हूँ यार, ये वही आंटी है, एक सेकंड रुकिए जरा, लड़की भी वही है शायद, रुकिए जरा। एक शादी इसने दो महीने पहले कर दिया, वहां से भी छुट के आ गई, अब एक शादी अब चाहिए। कितनी गाड़ियां बांटने हैं तुम्हें, कितने घर बांटने हैं, द्वारका वाला घर तो दे दिया तुमने पिछले रिश्ते में। अगर गरीब हो आंटी तो चलेगा, हाँ, गरीब भी चल जाएगा। इस बार वीडियो बनाने वाली लड़की है ये दूसरे चैनल पे, अब इस बार तीसरा रिश्ता खोजा जा रहा है। मैंने सारा कुछ कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो। ओहो, मेरे गांव वाले ललित लंगड़े का आखिर रिश्ता आ ही गया। ललित को बता देता हूँ कि उसका पैर गया है पर अब तक उसकी जिंदगी से संभोग नहीं गया, 2 करोड़ का रिश्ता उसका वेट कर रहा है। मुझे किसी टाइप का भी लड़का मिल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंगड़ा हो लूला हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उस बेटी के लिए अपना मतलब उसके बाप चाहिए मुझे। और जो भी मेरी इस बच्चे से शादी करेगा वो मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो भी है सब उसके नाम करूंगा मैं। यहाँ पे भाई साहब बाप बने हैं, डॉक्टर बने, डॉक्टर एंड फादर उस कन्या का, उस अबला नारी का जिसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और ये 2-5 करोड़ रुपए की जमीन दिखाएंगे, अभी गाड़ियां दिखाएंगे, पर मुझे मेरी वीडियो के सर्च में देखो क्या मिला। मुझे लड़का कोई भी चलेगा, लंगड़ा लूड़ा, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो मुझे और मेरी बेटी को प्यार करे। जो भी मेरी इस बहन से शादी करेगा उसे मैं संपत्ति में और ये दहेज में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दूंगा। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अब 5 करोड़ की हो गई। जो पिताजी डॉक्टर बने थे वो अब दरोगा भाई बन गया, अब यूपी पुलिस में लग गया भाई। वीडियो के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चेंज करने में तो भाई ने जोनी सिंस को भी पीछे छोड़ दिया, वो भी एटलीस्ट एक अटायर में 2-4 वीडियो शूट कर ले, भाई एक में सिर्फ एक ही करता है। अगली वीडियो में वकील बन जाएगा, उससे अगली में मास्टर बन जाएगा, लेकिन इस बार हीरोइन अच्छी लाए हो भाई। हेलो सर, आपने बुलाया हमें? हाँ भैया, मैंने बुलाया था आपको। मेरा नाम नवनीत है और ये मेरी सिस्टर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये लंदन से इन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई वगैरह करी है, सारा लंदन से करी है, इसीलिए वन पीस पहन रखा है इन्होंने ब्लैक कलर का। खेतों में भी लंदन से पढ़ी है भाई, छोटे कपड़े पहनेगी ऑब्वियसली। नशे पत्ती वाला ना हो, इनका घर बच जाए, उसको मैं दहेज में सब कुछ दूंगा भाई। वो तो सारी बात मैंने आपकी मान ली, पर आप फैंसी ड्रेस वाली दुकान पे से ना एम साइज वाले बंदे की ड्रेस ले आइए। ये कोई 21 साल के दरोगा के लिए बनाई थी उन्होंने। एक तो तुम्हारे टायर दिख रहे हैं नीचे भाई, जूते बहुत बढ़िया भाई। यूपी पुलिस कब से ब्राउन जूते छोड़ के लोफर्स पहनने लगी? टॉर्चर करे या मुझे मारे या मेरे बच्चे को मारे, नाउ आई विल नॉट एक्सेप्ट। मैं नहीं ले पाऊंगी अब दोबारा। मेरा बच्चा बहुत छोटा है और मैं को इसकी के लिए एक फादर चाहिए। आई नीड अ फादर। रोल मिला था इंडिया से जो लंदन जाके पढ़ के आई है, ये बेचारी हाफ इंडियन स्क्रिप्ट में कंफ्यूज कर गई। अरे फेक एक्सेंट नहीं मारना, जो भारत से इंडिया जा रहे हैं वो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं मैन। चाइल्ड इज वेरी स्मॉल। नहीं नहीं, हॉलीवुड की भूत की फिल्म देख के आई है, अभी वही वाला एक्सेंट मार रही है। फादर प्लीज ब्लेस माय चाइल्ड। क्या नाम है भैया इनका? एंजेलिना। एंजेलिना।
हरियाणा की अंजलि फेक वीडियो के लिए बनी एंजेलिना। एंजेलिना के साथ जो भी शादी करना चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और नाम बता सकता है, ठीक है। और बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम। वीडियो शूट करने वाले का भाई एक्सेंट बिगड़ी। कमेंट में भाई देख ले कोई पीटर वीटर तो नहीं आ गया। 22 से हो रही है शादी एंजेलिना की। संतोष नायक फ्रॉम पटना भाई, डन है भाई शादी। कूलर एलईडी वाला रूम है भाई, एंजेलिना और उसकी बच्चे को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 5 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, अगर ये खुद से 5 करोड़ रुपए देगा ना वो तब शादी नहीं करने वाली इससे। भाई तो बता देता कौन सा वाले को शादी करनी है। मालिक की बोरी ट्रक में लोड करवाने के बीच बिताए कुछ हसीन पल। सविता ने शादी के लिए पसंद किया इस लड़के को। 3.7 करोड़ व्यूज भाई। हाँ आंटी जी, हाँ क्या हुआ था बताइए। हाँ आपने मैसेज किया था लड़का लड़के के। हाँ जी देखिए मैं अच्छा, लड़का है। अच्छा ये है भाई। हाँ। नाम क्या आपका भाई? सुमित। इसकी शकल जस्टिफाई कर रही है सुमित नाम। इसका सुमित के अलावा नाम हो ही नहीं सकता इस देश में कोई दूसरा। ये इतना जेनरिक चेहरा है। क्या करते हैं? मेरे कंपनी में वर्कर है। तो मतलब आपने बोला था लड़का मिल गया, मतलब शादी वादी की बात चल रही है, उससे वीडियो वीडियो देख के आया था। तो मालकिन जी ये सब कुछ दे रही है, तो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे घर चाहिए। अच्छा ये घर है ना, ये पीछे वाला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमरपाली वालों के टावर है वे, जिसे अपना घर बता रही है आंटी नोएडा में। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं चाहिए बस मुझे को, मतलब मालकिन जी के मतलब लड़की अच्छी लगी काफी। इसकी आंखों मुझे हवस दिख रही है। ये 5-4 दिन का रिश्ता है बस बता रहा हूँ मैं आंटी। अभी भी नहीं, तुम्हें लड़का पसंद है? ये वर्कर है, काम करता है। कितनी तनख्वाह देते हो आप इसको? देखिए मैं इनको 14,000 रुपए देती हूँ। चाह रही हूँ कि एक दूसरे को दोनों माला पहना दे। अच्छा माला हाँ जी मैं लेके आई हूँ। मंदिर तक कोर्ट कचहरे तक जाने का भी कष्ट नहीं करना, यही की शादी करेंगे भाई। कैमरा पे ही शादी करेंगे आंटी। नहीं हरकतों के चलते लड़की की शादी नहीं चल रही। और ये क्या बच्चा, मतलब जिनके माँ बाप पे 5-7 करोड़ रुपए है, इतनी प्रॉपर्टी है, 20-50 गाड़ियां है, उन्हें एक शादी खराब होने के बाद दूसरी भी करनी है। अरे मेरे बाप पे इतना पैसा होता मैं पहले ही ना करता। अरे आंटी ये मरे हुए की तस्वीर पे चढ़ाने वाली माला ले, खर्चा तो कर लेते यार। वो वरमाला वाले फूल भी महंगे होते हैं, महंगी आती है 500 रुपए वाली। ये ले आई आंटी तो 50-50 रुपए वाली। अच्छे तरीके से शादी करती तो और अच्छा। नहीं जी देखिए मुझे कोई शौक नहीं है, कुछ का वो दिक्कत नहीं है। कर दीजिए शादी। लड़के का सिर अगर और 2 इंच बड़ा होता ना, माला आने वाली थी उसके सर में। ये किसी की तो शादी हो गई, देखते देखते हो गई मेरी वीडियो, देखते देखते शादी हो गई भाई किसी की। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये देश मतलब बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। थैंक यू मोदी जी। अभी भी होगा, तुम शादी के लिए मना नहीं कर रहे, हम शादी के लिए तैयार, लेकिन हमें एक ही लड़का चाहिए। सोएगा हम दोनों के साथ ही हो, एक लड़का। और क्योंकि शादी तो उन्होंने करी है ना, तो दोनों को वही रखेगा, अलग अलग नहीं सोएगा। सोएगा साथ लेफ्ट वाले के साथ तो ठीक हूँ मैं, रेडी हूँ भाई। राइट वाले के साथ तो मैं 5 करोड़ रुपए लेके ना करूँ। अरे ये देखो लहंगा भी लंबा आ रहा है, कॉस्ट्यूम बिल्कुल ठीक नहीं है इनकी वीडियोस में। मोबाइल नंबर है 7878 5831। अबे बाकी 2 डिजिट कहाँ है भाई? 99 बार ट्राई करना पड़ेगा तब जाके सही नंबर मिलेगा। इस गरीब से कौन शादी करे, मैं करूँ तो फिर नंबर सही नहीं दिया यार। कौन बनेगा करोड़पति खेलने हमारे साथ? 99 बार डायल कर करके पूछो, अरे क्या आप वो गरीब हैं जिसको शादी करनी थी? क्या आप वो गरीब हैं जिसको शादी करनी थी? बस इसलिए हमें एक शोहर की जरूरत है। तो कुछ जरूरत ऐसी होती है जो शोहर ही पूरे कर सकते हैं। गरीब है लेकिन ऊपर से तुम डिमांड देखो, बिस्तर पे अमीर लड़का चाहिए। तो आपको बताया भी जा रहा है, देखो आप देख लो ये मैडम पेट से है और बाकी। भाई बंद करो मेरी मोदी साहब से गुजारिश है। अरे भाई वो थोड़ी सी मोटी है भाई, उसे पेट से बना दिया और वो रेडी भी है भाई ये सब रोल करने के लिए। उस हिसाब से इससे ज्यादा पेट से तो इसका बाप है। देखो पेट से है और ये अंकल जी हैं, ये आपको घर भी देंगे, ठीक है। इसका पिताजी इसके साथ खड़ा है तो ये माँ पे गई है। ये पिताजी पे इसका नैन नक्श कुछ नहीं जा रहा। नॉर्मल लड़का तो लगे ना, मेरी बेटी कमी थोड़ा है, इतनी खूबसूरत है। ठीक है भाई, गलत ही कॉन्फिडेंस अंकल को। तो लड़का भी थोड़ा ठीक ठीक है, समाज में नजर चलते अच्छा लगे। ये चेहरा मांग रहा है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपकी नौकरी। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अंकल की हेल्प करो। भाई मिल गया भाई, बहुत अच्छा समाज में चलने वाला बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। ये है भाई कमेंट करके गया, मैं करूंगा शादी अंकल, मैं एक लड़की से धोखा खाया हुआ हूँ, मुझे उस लड़की को दिखाना है कि हम कुछ हैं, बस ये धोखेबाजी मत करना, धोखे बर्दाश्त है हमेशा खुश रखूंगा, कोई अय्याशी लड़का नहीं हूँ, गरीब परिवार से हूँ। ये भाई ये मिल गई भाई, राम मिला है जोड़ी भाई, बन चुका है ये जोड़िया सिंह। ओहो ये अंकल के किसी दोस्त ने ही लिख दिया भाई, सर्वेश कुमार। ये जा रहे हैं भैया, ये जा रहे हैं स्वाति के स्वयंवर में। भाई गुटखा तो थूक लेता भाई फोटो में। अरे रे रे लाखों दिलों की धड़कन इरशाद आलम, जूते भी फ्री में पहनावेगा भाई। बाबूजी ये मेरी बेटी है, ये विधवा है, इसके पेट में 3 बच्चे हैं, जो भी इससे शादी करेगा उसे मैं ये फ्लैट और इसके ऊपर 3 फ्लैट और दूंगा और शादी में 1 करोड़ रुपए भी लगा दूंगा। लड़का कैसा भी हो, अंधा लूला लंगड़ा काना, गोरा हो चाहे काला हो, मेरे से प्यार करे, पैसों से प्यार ना करे। पैसा बहुत है वैसे हमारे पास, पैसा बहुत है, पैसे की दिक्कत, पैसा बहुत है।
ये मेरा लड़का है, इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, तो मैं इसके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई लड़की इसको अपनाने के लिए तैयार है तो मैं अपनी ज़मीन और थाना उसके नाम कर दूंगा, और अगर उस लड़की का कोई पहले से बच्चा भी है तो हम उसको अपनाने के लिए भी तैयार हैं, और लड़की का कोई शुगर डैडी होगा तो वो भी हमें चलेगा। मैं एक झोला छाप डॉक्टर हूँ, ये मेरी सिस्टर है, हम इनके लिए लड़का देख रहे हैं, ऐसा लड़का जो मेरी सिस्टर की ज़रूरतें पूरी कर सके, क्योंकि कुछ ज़रूरतें वो होती हैं जो सिर्फ शोहर ही पूरी कर सकता है। उस लड़के को मैं अपना ही पूरा 5 करोड़ का फ्लैट, अपना क्लिनिक और जिस गाड़ी पर वात रख देगा वो दिला दूंगा। ये मेरी 2 बेटियां हैं, इनके लिए हमें एक लड़का चाहिए, दोनों के लिए एक ही लड़का चाहिए, क्योंकि एक ही कंडीशन है कि मेरी दोनों बेटियां एक ही लड़के के साथ सोएंगी। अपना नंबर कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दामाद हम कमेंट सेक्शन से उठाएंगे। शादी अगर आप 1 करोड़ तो हम लगाएंगे, उससे ज्यादा ही लगा देंगे शादी के लिए। हाँ, 30 लाख की तो गाड़ी लेके दूंगी। खुद वैगनार में बैठी है आंटी, तब बोल रही है इतना। ठीक है, बाकी जेवर हो गया और बैंक, और वैगनार में सीएनजी वाले वैगनार में बैठ के मैं 1000 रुपए की बात ना करूं, चुप रहूं, छुप के रहूं, गाड़ी भी B3 में लगाऊंगा ले जाके। इससे बढ़िया टोरा तो पेट्रोल वाली नैनो चलाने वालों का है। मेरे मम्मी पापा को प्यार कर सके, जो मेरा बिजनेस भी देख सके। मम्मी को और आपको तो प्यार कर दूंगा यार मैं। हाँ, घर जमाई, अभी भी घर अच्छा, जमाई चाहिए। हाँ, चाहे तो वो अपनी फैमिली लाके खुद रह सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा मम्मी हम सबकी किस्मत खुलने वाली है, इनका नंबर कहाँ है यार, मुझे नंबर निकलवाओ जल्दी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है। अरे आंटी मेरे पास जमीन की भी कमी है, मेरे पास पैसे की भी कमी है, प्यार बहुत करूंगा मैं, सह परिवार आपके रिश्तेदारों को भी प्यार कर लूंगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे @lakshya DM कर देना। सब उसी का है, इसका और किसका, हमारे पास तो कोई बेटा नहीं है। लाइफ टाइम काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी अगर मैं उसको अकेले बोलूंगी वो संभाल ले, हैंडल करेगा भी तो वो सारा नहीं कर पाएगा। तो देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इनसे जो भी शादी करना चाहता है, जो ये वीडियो देख रहा है बंदा, उसको पहले बता दो कि पैसों के लालच में ना आए। पैसा बहुत है, स्कूल 2 है, प्रॉपर्टी बहुत सारी है, पैसा ही पैसा है, और कोई पैसे के लालच में ना आए। भाई ये तो वैसी बात चल रही है कि मोहल्ले में हमने ठेके का लाइसेंस ले लिया, पर मोहल्ले में कोई बिगड़ ना जाए। अबे ब्रो आप मदिरा बेच रहे हो, उसको पीने के बाद किसी के घर का माहौल ठीक नहीं रहने वाला। आपको भी कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो तो उनमें बहुत हेल्प करेंगे आपकी, आएगा उसको काम हम सब सिखा देंगे। 30 लाख रुपए की गाड़ी भी कह रही थी गिफ्ट करने की। दहेज में गाड़ी भी रहेगी, पहले भी दी थी। अच्छा पहले भी दी थी, पहले भी गाड़ी दी थी, पहले भी शादी नहीं चली, इस बार भी गाड़ी दे रहे हैं, और इस बार लग रहा है कि शादी चल जाएगी। मेरे से कांटेक्ट करवाओ, मतलब जिन जो लोग सच में जो इतने अमीर है ना, मतलब जो अपनी लड़कियों को इतना सारा सामान देना चाहते हैं, घर जमाई जिनको चाहिए, जिनको बहुत ही लावारिस लड़का चाहिए, और जो बहुत अमीर है जिनके पास इस तरह पैसे की कमी नहीं है, ये चेहरा नोट कर लो तुम। लक्ष्य चौधरी फ्रॉम UP वेस्ट। भाई मैं बहुत गरीब हूं, मैं सच में, हमारे तो कई पीढ़ियों से गरीब है हम तो, और मेरे कई सारे भाई भी दोस्त भी हैं, मतलब लड़कों की कोई कमी नहीं है ऐसे घर जमाई बनने वालों की। हम तो मिलके घर जमाई बनेंगे सारे, पूरी एक कम्युनिटी बना देंगे घर जमाइयों की। और मुझे तो कोई शर्म भी नहीं अपने सास ससुर के पैसे पे में, नहीं मेरा कोई आत्मसम्मान है ही नहीं, गरीब आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही नहीं है, और मेरे तो घर वाले भी रेडी हैं आत्मसम्मान गिरा के शादी करवाने में। अब देख लो कितने कोऑपरेटिव हैं हम सब, मैं तो डिजर्व करता हूँ ऐसी शादी। बाकी अगर किसी को शादी करवानी हो तुम DM में कर सकते हो। देखो जाट रिश्ते नहीं, मैं हर प्रकार के सभी कास्ट के रिश्ते लेता हूं, और मैं ग्रुप में भी ऐड हूं, सच में मैं 2-3 कास्ट के ग्रुप में ऐड हूं जहां पे उनके रिश्ते चलते हैं। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे @lakshya फॉलो कर लेना, अपना बायोडाटा भेज देना, और हमारा ब्लॉग चैनल लक्ष्य ज्योति ब्लॉग्स, अगर अभी तक तुमने कोई ब्लॉग नहीं देखा जाके चेक कर सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं यार, मजे करते रहो, और जो ऐसा क्रिंज तुम्हें दिखता रहे वो हमें भेजते रहो इंस्टाग्राम पे।